बायो ब्लास्ट में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन एंड कोएग्जिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड इसके पहले हमने पढ़ा था कंपिटिटिव रिलीज। और ये सारी चीज़ें किसके अंडर में चल रही हैं? कंपटीशन के अंदर में। कंपटीशन कंपटीशन हमने स्टार्ट किया था किसके अंदर में? बायोटिक इंटरेक्शन के अंदर। क्लियर है? इन द बायोटिक इंटरेक्शन और अंडर द बायोटिक इंटरेक्शन वी आर स्टडिंग द कंपटीशन। तो इसमें कंपटीशन क्या होता है, कैसे होता है? मींस कंपटीशन में हमने देखा कि ये निगेटिव इंटरेक्शन है दो कंपीटिंग स्पीसीज के लिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है या दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, दोनों को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, बोथ द स्पीसीज मीन्स बोथ द कंपीटिंग स्पीसीज आर निगेटिवली अफेक्टेड बाई द कंपिटिशन। क्लियर है? ओके, सो इन दैट कंपिटिशन वी स्टडीड टू एक्सपेरिमेंट्स। वन इज कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द अदर वॉज द कंपिटिटिव रिलीज। ओके, कंपिटिटिव रिलीज एंड कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दोनों में हमने ये देखा कि मोर और लेस कि जो सुपीरियर स्पीसीज होती है, कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में, सो इस ये जिसके साथ कंपटीशन में होती है उस पर्टिकुलर जियोग्राफी में, उस पर्टिकुलर एरिया में, ये क्या करती है? आउट कंपीट दी कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज। क्लियर है? ये हमने इसके पहले पढ़ा। एक में क्या है कि सेम तरीके से चल रहा था, जब हमने कॉम्पिटिटिव रिलीज की भी बात की उसमें भी क्या हुआ था कि हमने कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज को एक्सपेरिमेंटली हटा दिया। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी हमने यही किया, दूसरी स्पीसीज हमने ली उनको भी क्या किया, हमने हटाया या एक साथ ग्रो किया। तो एक साथ ग्रो किया और अलग अलग ग्रो किया। इस वाले केस में इन्होंने पैरामीशियम का लिया था, वहां पे हमने बैलेनस की स्पीसीज या जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी स्पीसीज को लिया था। ठीक है, कैथामेलस एंड बैलेनस। सो जो कॉम्पिटिटिव रिलीज प्रिंसिपल था, सो वहां पे हमने स्पीसीज को रिमूव करके देखा, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट में दोनों स्पीसीज को एक साथ पुट करके देखा। तो जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज है उसका ग्रोथ बहुत फास्ट तरीके से हुआ, इसने आउट कम्पीट किया इसको। क्लियर है? अब ये सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, मतलब इन्होंने ये बताया, इसको गॉज प्रिंसिपल, बहुत फेमस प्रिंसिपल है ये, गॉज प्रिंसिपल 1934 का। तो इन दोनों ने ये बताया कि टू स्पीसीज कैन नेवर बी या कैन नॉट को एग्जिस्ट। ठीक है, जो अदर प्रिंसिपल्स हैं इन्होंने ये बताया, टू कंपीटिंग स्पीसीज, जो प्रीवियस प्रिंसिपल्स हमने पढ़े मोर ऑर लेस, उसका कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन इज टू कंपीटिंग स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट। क्लियर है? टू कंपीटिंग स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट। क्लियर है इतनी चीजें? सो इन दैट सेंस वी अंडरस्टैंड दैट कि इफ देयर इज कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज, सपोज एक्स वाई, सो अगर रिसोर्स लिमिटेशन की बात हम करते हैं ना, रिसोर्स लिमिटेशन, सो इफ देयर इज अ रिसोर्स लिमिटेशन, सो ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर पाएंगी। क्लियर है? एक दूसरे से स्पीसीज जो है कम्पीट में, इसमें जो सुपीरियर स्पीसीज है कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मतलब को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थ्योरीज जो हमने पढ़ी उसके बेसिस पे, या तो अगर ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वाई एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो नेचर में क्या होता है, आपने पढ़ा है नेचर में, हमने डार्विन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेलेक्शन का, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सेलेक्शन। तो नेचुरल सेलेक्शन में तो यही होता है, जो जो बेस्ट सूटेड है, बेस्ट सूटेड है
बेस्ट सुटेड जो है दैट स्पीसीज विल सर्वाइव, क्लियर है। लेकिन सर्वाइवल होता कैसे है? सर्वाइवल के लिए भी पढ़े हैं कि इवोल्यूशन होता है, मतलब स्पीसीज स्पीसीज गेट इवॉल्व। क्लियर है, स्पीसीज गेट्स इवॉल्व, और स्पीसीज जो भी स्पीसीज रहती हैं कंपटीशन में या जहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका इवोल्यूशन भी होता है एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर 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 कंपटीशन ऐसे सीवियर लेवल का है, अगर कंपटीशन में इवोल्यूशन नहीं हुआ स्पीसीज का, इफ इवोल्यूशन डज नॉट हैपन, इवोल्यूशन डज नॉट हैपन, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन का थ्रेट है, एलिमिनेशन का थ्रेट है। ठीक है, एलिमिनेशन का थ्रेट है, तो स्पीसीज क्या करेंगी? स्पीसीज का एक बहुत ही नेचुरल, और जो कहते हैं ना बर्थ राइट हम जिसको बोलते हैं, तो उनका क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी स्पीसीज का, कोई भी स्पीसीज होती है वो कभी एलिमिनेट होना नहीं चाहती है सिस्टम से इन जनरल। ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन लेकिन अगर जो एलिमिनेटिंग प्रेशर है, एलिमिनेटिंग प्रेशर अगर ये बहुत हाई है, हाई, तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगी स्पीसीज, क्योंकि प्रेशर को, प्रेशर में सकम कर जाएंगी, दे विल सकम टू द प्रेशर। क्लियर है, दे विल सकम टू द प्रेशर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई? ओके, अभी हम चलते हैं कि फिर इसके बाद हम वही देखते हैं कंपटीशन एंड को एग्जिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में। विल सी कि हाउ टू कंपीटिंग स्पीसीज क्लोजली क्लोजली रिलेटेड और क्लोजली कंपीटिंग स्पीसीज हाउ दे आर सर्वाइविंग इन द सेम एनवायरमेंट एंड फीडिंग ऑन द सेम रिसोर्सेस। क्या मेथड वो या मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं? What method or mechanism they evolve to coexist? We are going to study, or we are going to read that particular thing and understand कि नेचर में केवल ये नहीं चलता है कि कम्पिटिटिव रिलीज थ्योरी ने जैसा बोला, या कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, जो गॉज ने बोला, ठीक है, क्या वो सही है, या तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? इसके लिए क्या होता है, नेचर में इवोल्यूशन होता है, मीन्स स्पीसीज इवॉल्व करती हैं एग्जिस्ट करने के लिए टुगेदर, इवन इफ दे आर इन कंपटीशन। क्लियर है? इसको हम समझते हैं। इन नेचुरल कंडीशन स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रदर देन एक्सटिंक्शन। क्लियर है? इन नेचुरल कंडीशन स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म्स दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रदर देन एक्सक्लूजन। इसमें ये बोला है कि नेचुरल कंडीशन में हमने जो एक एस्पेक्ट पढ़ा कि एक्सक्लूड कर देती है, सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को एक्सक्लूड कर देती है। सुपीरियर स्पीसीज एक्सक्लूजन किस तरीके से होता है? क्योंकि सुपीरियर स्पीसीज आउट कम्पीट कर देती है। आउट कम्पीट किस टर्म में? आउट कम्पीट किस टर्म में करती है? आउट कम्पीट करती है रिसोर्स के टर्म में। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के टर्म में, बाकी अदर जो फैक्टर्स होते हैं उनके टर्म्स में। यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो कंपटीशन होता है सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को आउट कम्पीट कर रही है, तो ये जो कंपटीशन होता है ना, तो इंफीरियर स्पीसीज जो होती है एलिमिनेशन से बचने के लिए क्या करती है? इवॉल्व कर लेती है। क्या इवॉल्व करती है? सर्टेन मैकेनिज्म। क्लियर है? सर्टेन मैकेनिज्म दे इवॉल्व इन नेचुरल कंडीशन स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म्स, है ना, मैकेनिज्म्स दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रदर देन एक्सक्लूजन, एज वेल एज when there is a weak inter-specific interaction or competition between two or more species, then the species are able to coexist. एक तो point ये हो गया, this is one point. इसमें इन्होंने बोला कि even strong competition है,
लेकिन अगर वो कंपटीशन मतलब सीवियर है, स्ट्रांग है, या तो उसमें एलिमिनेशन का थ्रेट है, तो उसमें भी क्या होती है, जो कंपीटिंग स्पीसीज है या इन्फीरियर स्पीसीज है, दैट स्पीसीज इवॉल्व इट्सेल्फ। द सेकेंड पॉइंट इज सेइंग व्हेन देयर इज अ वीक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और कंपटीशन, वीक, फोकस ऑन द टर्म वीक। द फर्स्ट पॉइंट इज नॉट फोकसिंग ऑन द वीक, इट इज द फेस, इट इज द पॉइंट वेयर देयर इज अ कंपटीशन, ओके। बट वेन देर इज अ कंपटीशन, वेन टू वेन देर इज अ वीक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, तो अगर वीक है तो वीक है तो उसमें स्पीसीज के एक्सटिंक्शन की बात नहीं आएगी, ठीक है, तो स्पीसीज विल को एग्जिस्ट, क्लियर है। थर्ड इज को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज इज फेवर्ड बाई रिसोर्स शेयरिंग एंड इट्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स शेयरिंग एंड इट्स पार्टीशनिंग डिपेंडिंग ऑन द कंपीटिंग स्पीसीज इन द कंपटीशन, वेदर द कंपटीशन और स्पीसीज विल सर्वाइव और नॉट, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्पीसीज, द टू कंपीटिंग स्पीसीज और टू और मोर कंपीटिंग स्पीसीज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग और रिसोर्स शेयरिंग की। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम पहले ज्यादा रिसोर्स था हमारे पास, लेकिन हम शेयर नहीं कर रहे थे, हम अकेले फीड कर रहे थे। अभी क्या है, उस पर हमको एक एक और पर्सन मिल गया खाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, खाना कम कर देंगे, हल्का सा रिसोर्स शेयर कर लेंगे हम, ठीक है। मतलब कंपटीशन में जितना नुकसान होना है उससे बेटर है कि हम रिसोर्स शेयर कर लें, थोड़ा फायदा रहेगा, दोनों स्पीसीज इवॉल्व करेंगे स्लोली। एंड रिसोर्स पार्टीशनिंग, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा रिसोर्स पार्टीशनिंग का, अगर आप कोई भी बड़ा ट्री देखते हैं, ट्री, क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं अभी तक? रिसोर्स पार्टी, रिसोर्स शेयरिंग एंड इट्स पार्टीशनिंग डिपेंड अपॉन, तो यहां पे हम रिसोर्स क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। आप इसमें देखोगे कुछ कुछ बर्ड जो होती हैं एकदम टिप पे रहती हैं, कुछ कुछ बर्ड यहां पे रहती हैं, कुछ कुछ बर्ड यहां पे रहती हैं, इंसेक्ट कुछ आप देखेंगे, कुछ बर्ड इसके अंदर भी रहती हैं, इंसेक्ट कुछ यहाँ पे अंदर घुसे रहेंगे, जमीन पे रहेंगे, कुछ इधर रहेंगे। कहने का मतलब है बर्ड की स्पीसीज, हम डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं, तो कुछ कुछ बर्ड एकदम बेसिक ब्रांचेज, एकदम लोएस्ट ब्रांच पे बैठी रहती हैं, कुछ मिडिल में रहेंगे, कुछ टॉप पे रहेंगे, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए सारी बर्ड्स एक ही लोकेशन या एक ही पोजिशन पर बैठती हैं, अगर सारे बर्ड्स एक ही पोजिशन या लोकेशन पर बैठती हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या किया कि ठीक है, इन्होंने देखा कि ठीक है हमारा एरिया ये है, हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं, प्लांट है तो इसको इन्होंने पार्टीशन कर लिया कि भाई तुम इधर रहो हम इधर रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये नॉर्मल होता है ना घर में, आप बेसिक घर देखेंगे नहीं, अलगौजी जो घरों में होती है, अलगौजी क्यों होती है घर में, अलगौजी या अलगाव क्यों होता है घर में, अलगाव इसीलिए होता है क्योंकि प्रॉब्लम से बचा जाए। मान लीजिए एक पहले एक ये होम था, ठीक है, इसमें एक दो फैमिली रहती थी या तीन फैमिली रहती थी, ठीक है, एक साथ रहते थे, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई तो प्रॉब्लम के बाद हम इसमें ठीक है कुछ दिन तक टॉलरेट करते हैं, लेकिन लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे होता है, दिस इज द बेस्ट वे, हमने पार्टीशन कर लिया, ठीक है। पार्टीशन करने में क्या होगा कि ठीक है यहाँ पे पार्टीशन वॉल बन गई, अब ये स्पीसीज इतने में अपने को रेस्ट्रिक्ट करके अपना काम करेगी, इतनी स्पीसीज इतने में रेस्ट्रिक्ट करके अपना काम करेगी, ये स्पीसीज इतने में, क्लियर है, इतनी चीजें ठीक है समझ में आ रही ना। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, वो स्पेस अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस एरिया में हमारा ये निश है, निश जो है वो बिल्कुल निश जो पहले था निश, ये अपने निश को ना बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं। निश वैसे भी सेपरेट रहता है, लेकिन जो फंडामेंटल निश है पहले पूरा प्लान कवर कर रहा था, तो इन्होंने अपना निश जो है ना बिल्कुल एकदम सेपरेट कर लिया कि कोई दूसरी स्पीसीज वहां पे निश में ओवरलैपिंग ना होना लगे, फिर से कंपटीशन ना बढ़े, ठीक है। तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग है।
और ये भी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है भाई। अब दूसरे स्पीसीज से जो ग्राउंड पे है तो वो रिसोर्स कैसे पार्टीशन करेंगे, ये सब जगह पॉसिबल भी नहीं होगा प्रॉबेबली, ठीक है। तो जहां पॉसिबल होता है कंपीटिंग स्पीसीज के बेसिस पे ये दोनों चीजें होती हैं, रिसोर्स शेयरिंग भी और रिसोर्स पार्टीशनिंग भी। देखो रिसोर्स पार्टीशनिंग कैन बी स्पेशियल एंड टेम्पोरल। कहने का मतलब, स्पेशियल का मतलब अभी जो हमने बताया स्पेस में प्लांट के ऊपर बताया ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। टेम्पोरल का मतलब टाइम पे, कि एक एक जो है डे में फीड कर रहा है, एक जो है डे में बाहर निकल रहा है, तो एक नाइट में बाहर निकलेगा, ठीक है। एक हो सकता है कि दोपहर में निकलेगा मिड नून के टाइम पे, ठीक है। एक होता है कि समर में निकलेगा इन जनरल, और एक होता है कि विंटर टाइम में निकलेगा। ये हमने बहुत लंबा बता दिया, लेकिन नॉर्मल डे नाइट का अगर देखते हैं आप, होते हैं कुछ जानवर दिन में फीड करते हैं, अटैक करते हैं, कुछ जानवर रात में करते हैं, क्लियर है। तो टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से, और स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस से, क्लियर है। स्पेशियल मतलब स्पेस और टेम्पोरल का मतलब डे नाइट टाइमिंग, क्लियर है। इतनी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और समझते हैं। एक तो ये हो गया जो मैकेनिज्म इवॉल्व करती है कंपीटिंग स्पीसीज टू कोएग्जिस्ट, क्लियर है। मैक आर्थर एक साइंटिस्ट है, इकोलॉजिस्ट थे, इनको मान लीजिए बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट, इन्होंने शो किया, ऑर्निथोलॉजिस्ट मान लीजिए क्योंकि इन्होंने बर्ड को चूज किया था, तो ऑर्निथोलॉजी होती बर्ड की स्पीसीज जो स्टडी करते हैं, या जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं बर्ड का। सो मैक आर्थर शोड दैट फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर, इन्होंने वार्बलर बर्ड होती हैं उनकी स्पीसीज को लिया था, लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोराजिंग एक्टिविटी। फोराजिंग का मतलब होता है खाना, किस पे फीड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फीडिंग ऑन द इंसेक्ट्स में ऑक्यूपाई अपर कैनोपी, जो इंसेक्ट को फीड कर रही हैं वो सबसे अपर कैनोपी को बैठी हुई हैं। मान लीजिए अभी हमने जैसे डायग्राम बनाया था ना, तो यहाँ पे अगर ये प्लांट है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सो ये बोल रहा है कि बर्ड फीडिंग ऑन इंसेक्ट, या ये कैनोपी टॉप कैनोपी है, ठीक है, इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मिडिल कैनोपी एंड सम ऑन ग्राउंड एट डिफरेंट टाइमिंग एंड आल्सो, कहने का मतलब ये है कि बर्ड फीडिंग ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट जो फीड कर रहे हैं, तो हमने बोला ना इंसेक्ट यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्या आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एक तो मे अपर ये भी कर सकते हैं, ये मिडिल वाली भी कर सकती हैं, ठीक है, इधर कर सकती हैं सपोज, या एकदम ग्राउंड वाली कर सकती हैं, ठीक है। ओवर अ सफिशियंट पीरियड ऑफ टाइम द ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन में टेंड टू बी रिड्यूस्ड, मतलब क्या है कि नैरोइंग एंड डिफरेंशिएशन ऑफ निस हो जाएगा। कहने का मतलब है ये ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करेंगी तो अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या है रिसोर्स ओवरलैप करेंगे, कहने का मतलब रिसोर्स ओवरलैप करने का मतलब रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का, जो भी कंपीटिंग स्पीसीज हैं दे आर फीडिंग, इफ दे आर मान लीजिए तीन स्पीसीज हैं, अगर ये यहाँ पे सेम रिसोर्स है या कोई इसी पे सब कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इसी रिसोर्स को फीड करने के लिए ये अपना निश जो है बिल्कुल डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ एक्स फीड करेगा, यहाँ वाई करेगा, यहाँ जेड करेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यही ये बोला है कि ओवर अ सफिशियंट पीरियड ऑफ टाइम द ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन में टेंड टू बी रिड्यूस्ड, ओवरलैपिंग रिड्यूस हो जाएगी, अभी ओवरलैप कर रही थी पूरी, अभी यहाँ पे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, सेपरेट हो गया, तो नैरो हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ निस जो है बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाएगा। वी कैन से दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू नैरो द इकोलॉजिकल निस ऑफ ऑल कंपीटिंग स्पीसीज, एक थ्योरी उन्होंने दिया था, दूसरी थ्योरी ये है कि द कंपीटिंग स्पीसीज कैन कोएग्जिस्ट, ओके, कंपीटिंग स्पीसीज इवॉल्व कैन इवॉल्व, इसके पहले और लाइन भी लगा सकते हैं, इस कंपीटिंग स्पीसीज कैन इवॉल्व टू कोएग्जिस्ट, क्लियर है, अभी समझ में आया, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं
कंपटीशन के बारे में कि इंट्रा स्पेसिफिक, ये हमने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात किया, अभी हम इसी में देख लेते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, देख ले इसी में कि अगले में देखें हम, ठीक है अभी छोड़ देते हैं, ठीक है अभी छोड़ देते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग पढ़ते नहीं हो ढंग से, ठीक है। तो इसमें आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, कंपटीशन एंड कोएग्जिस्टेंस को समझ लीजिए, और इसके पहले का हमने बताया है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉज प्रिंसिपल, इसको भी आप देख लीजिए, और आपको इसके पहले हमने बताया कम्पिटिटिव रिलीज जो एक्सपेरिमेंट है दोनों, तो ये तीनों चीज़ें आप ना देख लेंगे तो आपको कंपटीशन के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, मोर और लेस एक्सपेरिमेंट्स भी पता चल जाएंगे, हाउ कंपटीशन आर निगेटिव हाउ कंपटीशन पोज अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बोथ द स्पीसीज, बोथ आर ऑल द कम्पिटिंग स्पीसीज, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग, और एक बात और जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द सेम। चलिए थैंक यू वेरी मच।